ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोटा के जेकेलॉन अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौत, जो कि आज उसका आंकड़ा 107 पर पहुंच गया है। अभी ये मौतों का आंकड़ा यहां पर थमा भी नहीं था कि एक और मामला यहां पर बूंदी से सामने आया है, जहां पर 10 बच्चों की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वही पूरी लापरवाही में एक बात यहां पर ये भी सामने आ रही है कि जो कि हॉस्पिटल का विभाग था, जो भी वहां का प्रशासन है, वो इस पूरे मामले को दबाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। उमंग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। उमंग, जिस तरीके से अभी ये कोटा का पूरा मामला शांत भी नहीं हुआ था, दूसरी तरफ एक और मामला यहाँ पर सामने आया है बूंदी से, 10 बच्चों की मौत एक महीने में, क्या कहेंगे? बिल्कुल आयशी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक देखने वाली यही होगी कि ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, हम पूनम जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ी थी, मदन जी बीजेपी की तरफ से जुड़े थे। सबसे मुख्य बात तो ये है कि हर सरकार का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान सरकार जब से चुनी गई है, जब से वो गद्दी पर बैठी, उन्होंने नहीं किया होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम जो भी जानकारियां जिस भी विभाग के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है, एक समीक्षा के रूप के अंदर उसको क्रॉस चेक किया जाना भी जरूरी है, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स लेना भी जरूरी है। अगर ये चीज ली होती, जैसे कि पूनम जी ने बताया कि ये सभी जानकारियां हर अस्पताल से चिकित्सा मंत्री के पास पहुंची थी, या उन्होंने कहा पहुंची होंगी, सबसे बड़ी बात तो सरकार के मंत्री, सरकार के लोग भी इस बात में कंफर्म नहीं है कि उनके पास ये चीज आती है या नहीं आती है, वो होंगी या पहुंच सकती है या पहुंचनी चाहिए पे ही अटके पड़े हैं, और उनकी इसी लापरवाही के कारण इतने बच्चों की मौत हो चुकी है। और न जाने, ये तो एक सरकारी आंकड़ा है आयुषी, और सबसे बड़ी बात कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो रिकॉर्ड में भी नहीं होंगे, जैसे कि आपने अभी बताया बूंदी से मामला आया 10 बच्चों की मौत का, और उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है ये कि उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो चिकित्सीय अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री संतरी के दौरे के तैयारियों में लगे रहे, और उन्होंने रेजिडेंट यानी कि जो वहां पर पढ़ रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सहारे जिंदगी और मौत के बीच जूझते बच्चों की जिंदगियां थमा दी, और फिर आलम यही होना था। उमंग, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मामले दबाने की यहाँ पर कोशिश की जाती, तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ऐसे कितने अस्पताल होंगे जहाँ ऐसे मामले रोज आते होंगे, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती होगी। बिल्कुल आयुषी, ये तो सिर्फ बूंदी, जो कि कोटा से 1.25 घंटे की दूरी पर है, एक छोटा सा शहर है, लेकिन हम अगर बड़े शहरों की बात करें, खुद मुख्यमंत्री के गृह नगर जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जोधपुर में भी ऐसी लापरवाही है। अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं हम बूंदी से। अनंत हमारे संवाददाता बूंदी से हमारे साथ जुड़े हुए। अनंत, अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में आगे? जिस प्रकार से मामला सामने आया है, जिस प्रकार से पीएमओ वगैरह पूरा चिकित्सा विभाग मामले को दबाने में लगा हुआ था, वो मामले का खुलासा होते ही पीएमओ की बोलती बंद हो गई। पीएमओ मीडिया से बात तक नहीं कर रहे हैं, इसके विजुअल आपके पास आ गए हैं। पीएमओ मुख बधिर होकर चुपचाप कोई सवालों का जवाब, मीडिया से पूछे गए कोई सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है, चिकित्सा प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह रहा है और कहीं ना कहीं है। इसी दौरान जब हम आज आयुषी, जब मीडिया हमारी टीम पूरी जब अस्पताल में चिकित्सा विभाग में आई, तो उस दौरान 3 बार लाइट चली गई, जो 4-4, 5-5 मिनट तक, 5-5, 10 मिनट के अंतराल में 3 बार लाइट जाना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस पे उठाता है। चलिए अनंत, आपके पास वापस आऊंगी, पहले स्वागत कर लेते हैं अशोक डोगरा जी का, विधायक है बूंदी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, धन्यवाद। अनंत, आपके पास वापस आना चाहूंगी, जिस तरीके से 10 बच्चों की यहाँ पर बूंदी में मौत हुई है, क्या कुछ अब तक इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? क्योंकि कोटा में हमने देखा था कि उपकरणों की कमी, काफी खामियां वहां पर पाई गई थी, बूंदी में किस प्रकार की खामियां वहां पर पाई गई है, क्या कुछ कारण अभी तक पता लग पाया है? देखिए आयुषी, जिस प्रकार खामियों का मामला है, तो प्रशासन इस चीज से एकदम नकारा बनना हुआ मान रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई मशीनरी खामी नहीं है। मगर जब हमारी टीम आज सुबह ही जब पूरे चिकित्सा विभाग में, शिशु वार्ड में जब गई, उसी दौरान जब 3 बार लाइट जाना कहीं ना कहीं बड़ा, जबकि जनरेटर की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी जनरेटर क्यों नहीं इमीडिएट चालू हुआ, 1.5 से 2 मिनट तक लाइटें बंद रही, कहीं ना कहीं ये खामियां लापरवाही और इशारा तो कर ही रही हैं। आईसी जी, अनंत, मदन जी के पास आना चाहूंगी। मदन जी, बूंदी से मामला, कोटा में अभी तक नवजात बच्चों की मौत का मामला
अशोक जी माफ कीजिएगा, अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोटा में अभी तक ये मामला थमा भी नहीं था नवजात बच्चों की मौत का, बूंदी से 10 बच्चों की मौत वहां पर सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में देख लीजिए, जो स्वास्थ्य विभाग है, प्रशासन है अस्पताल का, वो पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है। आखिरकार क्यों ये जरूरत पड़ रही है मामलों को दबाने की? ऐसे मैडम कि पूरी राजस्थान सरकार अपने आप को संवेदनशील कहती है, जबकि आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा बच्चों की मौत पे, वो तो कहते हैं ये तो होते ही रहते हैं जी, लापरवाही का बयान दिया। और कल चिकित्सा मंत्री कोटा आए थे, उन्होंने कहा मैं तो इसलिए नहीं आया कि जयपुर में बैठ करके यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रहा था, जबकि उस जेके हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत थी, हम बीजेपी के 5 विधायकों ने अपने कोच से 10-10 लाख रुपए की अनुशंसा की है वहां व्यवस्था सुधारने के लिए। अब जो बूंदी वाला मामला आया है, 2 बार मैंने सीएम एंड एचओ को सुबह से फोन कर लिया, पीएमओ को कर लिया, किसी ने फोन उठाया नहीं। अब मेरे यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, अब इससे फ्री होकर के मैं डेफिनेट हॉस्पिटल जाऊंगा और कलेक्टर से भी बात करूंगा। अशोक जी, अशोक जी एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, ठीक है बच्चों की मौत का जो सिलसिला जो एकदम से ये शुरू हुआ है, जैसे ही ये खबरें मीडिया में आई हैं उसके बाद इस पर एकदम से इतना प्रकाश डाला जा रहा है, हर कोई सरकार को यह जिम्मेदार ठहरा रहा है और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार में ये नहीं हुआ, पिछली सरकार में वो नहीं हुआ। अशोक जी आपसे छोटी सी एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप राजस्थान में एक मजबूत विपक्ष है, तो क्या एक मजबूत विपक्ष के नाते सर्दियां हैं, बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही ठंड के कारण बच्चों को कई सारी तकलीफें होती हैं, तो क्या ये सर्दियों से पहले इस चीज की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए थी सरकार के द्वारा कि क्या वहां पर उपकरण सही है या नहीं है, और अगर नहीं सही है तो उन्हें सही करवाया जाए, दुरुस्त करवाया जाए, ताकि क्योंकि ये हर साल होता है, हर साल सर्दियों में, और हाड़ौती क्षेत्र ऐसा है जहां पर ठंड बाकी प्रदेश से ज्यादा पड़ती भी है, तो क्या ये प्रॉपर एक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, इस सरकार का आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है जी, तो क्या हमारे टाइम पे भी तो सरकारें थी, अब इन्होंने तो कुछ बिल्कुल बेपरवाह रहे। हमारे 2 पूर्व चिकित्सा मंत्री जो भी वर्तमान में विधायक है, माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर और कालीचरण जी सराफ, वो खुद यहाँ पर रोष प्रकट करने आए हैं, विरोध प्रकट करने आए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस मामले में कोटा का दौरा कर चुके हैं जेके हॉस्पिटल का, लेकिन इस सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये तो इनकी टोटली इनकी जिम्मेदारी। आज बूंदी की जहां तक बात है, जो पीएमओ रहता है इसके लिए हमेशा से ये है कि कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ हमेशा पीएमओ रहता है जी, लेकिन इस सरकार ने मात्र एक एमबीबीएस डॉक्टर को पीएमओ बना रखा है, तो ये तो जबकि हमने भी कई बार अशोक जी क्या इसके बारे में आपके द्वारा सरकारी किसी अधिकारी को या प्रशासन को अवगत कराया गया था पूर्व में? बिल्कुल बिल्कुल कराया, फोन पे नहीं, मैं तो खुद आरएमआरएस की बैठकों में जाता हूँ, जब भी ये कहता हूँ कि साहब पीएमओ तो कोई सीनियर स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए जी, अब मात्र एक जूनियर डॉक्टर को पीएमओ बना दोगे तो सीनियर डॉक्टर उसकी सुनेंगे ही नहीं, उसके अंडर में क्यों काम करना चाहेंगे। तो अनंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, अनंत जिस प्रकार से अशोक जी ने बताया कि एक जूनियर डॉक्टर है जो सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए है, उसको अधिकारी बना के वहां पर बिठा दिया गया है, इतनी घनघोर लापरवाही हो रही है, क्या वहां पर प्रशासन कोई चेक करने नहीं आता, रीचेक करने? अनंत जिस प्रकार से पीएमओ का बिहेवियर है उसको कई बार हमने भी जिला कलेक्टर को अवगत कराया है, मगर जिला कलेक्टर कहते हैं आप पीएमओ जवाब नहीं देता है तो हमसे बात करिए। जिला कलेक्टर के ये बयान कहीं ना कहीं उनकी ओर इशारा करते हैं कि जिला कलेक्टर ने कहीं ना कहीं पीएमओ को संरक्षण दे रखा है, कहीं ना कहीं इस ओर पूरा ध्यान जाता है कि पीएमओ जिस प्रकार से बिना एजुकेटेड, बिना पीएमओ की डिग्री लिए वो पीएमओ की सीट पर बैठे हैं, तो वो मुखबधिर होकर बैठे हैं, जिससे विजुअल आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमने विजुअल जब मीडिया ने बात की तो मीडिया की जवाब देना उचित नहीं समझा पीएमओ ने, तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही का मामला सामने आ ही रहा है। उमंग जी, अशोक जी के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से पहली बार नहीं है ये कोई ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लगभग साल भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर जगह से अस्पतालों में कमी यहाँ पर पाई जा रही है, चाहे उपकरण की अगर हम बात करें, साफ सफाई की हम बात करें, रोज ऐसी खबरें हम देखते हैं कि आवारा पशु अस्पताल में घूम रहे हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़की टूटी हुई है, तो लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या आप इससे पहले आपने इस बारे में अवगत नहीं कराया है संबंधित विभाग को, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के नाते आपकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अवगत कराएं। मैडम ऐसे है कि हर 2-3 महीने में आरएमआरएस की बैठक होती है और मैं हमेशा उस बैठक में जरूर जाता हूँ। वो बैठक पहले किसी जमाने में कलेक्टर चैम्बर में होती थी,
मेरे एमएलए बनने के बाद हमने उस बैठक को पीएमओ ऑफिस में हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कराया कि ये बैठक वहीं कराएंगे और वहीं हो रही है जी। और हम हमेशा ही जो भी वहाँ कमियां होती है उस पर बात उठाते हैं कि सब ये कमियां इसको दूर करना चाहिए। और समय समय पे जैसे हमारे से जैसे कहते हैं कि सब ये प्रॉब्लम है पैसे की, तो अभी मेरे पिछले महीने ही 8 लाख समथिंग रुपए मेरे विधायक कोष से हॉस्पिटल की रिपेयर के लिए दिए। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो सरकार है बेन तो उसकी जिम्मेदारी उसी को करना है। चलिए उमंग क्या कुछ कहेंगे आप? उमंग क्या आप तक हमारी आवाज आ रही जी, है? जी बिल्कुल आयुषी, मेरे पास आवाज आ रही है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अशोक जी ने भी कहा कि हर जब भी वो मीटिंग वहां पर होती है तो उस मीटिंग में वो शामिल भी होते हैं, और आपने भी कहा कि आपने भी कई बार जिला कलेक्टर को अवगत कराया, प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को इससे अवगत कराया, लेकिन क्या ऐसी प्रमुख वजह है कि वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए? और कोटा के बाद में बूंदी में भी 10 बच्चों की मौत हो गई, क्या सरकार बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है यहाँ पर? उमंग, जिस प्रकार से हम सरकार पे बात करते हैं तो सरकारें आती और जाती रहती है, मगर व्यवस्थाएं सुधारने का काम सारा प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, मैनेजमेंट का होता है, मगर यहाँ पर बूंदी की जो स्थिति है, यहाँ की जो पीएमओ है वो काफी लापरवाह अपने कार्य के प्रति नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर चिकित्सा विभाग में शिशु वार्ड में 12 चिकित्सकों की जरूरत है, वहाँ पर 7 चिकित्सक लगे हुए हैं, तो 5 चिकित्सकों की कमी के कारण भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आ रही हो सकती है। उमंग, उमंग जिस तरीके से यहाँ पर पूरी बात सामने आ रही है, चलिए मानते हैं सरकार की पूरे मामलों में कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेकिन एक तरफ आप ये भी नहीं, इसको भी अनदेखा नहीं कर सकते, सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, मशीनरी यहाँ पर लगाई जाती है, बजट यहाँ पर दिया जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मशीन यहाँ पर लगाई जाती है, उपकरण यहाँ पर लगाए जाते हैं, उनकी देखरेख आखिरकार ये सरकार तो ये देखने नहीं आएगी ना कि ये मशीन कौन सी सही है कौन सी नहीं चल रही है? आखिरकार जिनको ये जिम्मेदारी दी है हॉस्पिटल में, वो आखिरकार क्या करेंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर ये बिल्कुल आयुषी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आपने भी सही कहा कि सरकार बार बार देखने नहीं आती है, लेकिन सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो भी वहां पर संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी है उससे हर महीने या हर हफ्ते के हिसाब से एक समीक्षात्मक रिपोर्ट ले, और अगर वो रिपोर्ट, वो जिस भी प्रकार की रिपोर्ट वो सबमिट कराते हैं उसको वापस से क्रॉस चेक भी करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है जी। अनंत, आपके पास आना चाहूंगी वापस से, जिस तरीके से कोटा के हालात यहाँ पर सामने है, हॉस्पिटल के जगह जगह से वहां पर दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, गंदगी का अंबार वहां पर लगा रहता है, आवारा पशु वहां पर घूमते रहते हैं। बूंदी के अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां के अस्पताल के क्या कुछ हालात है? जी आईसी, यहाँ के अस्पताल अभी हाल ही में पिछली सरकार के समय पर ये 18 करोड़ से निर्मित एक मातृ शिशु वार्ड बना हुआ है, और उस अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की अस्पताल की दुर्दशा भी काफी दयनीय होती जा रही है। ऊपर की बिल्डिंग की टाइल्स वगैरह अपनी जगह छोड़ चुकी है, बड़ी बड़ी दरारें बिल्डिंग में आ गई है। अनंत माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ मेहता साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस से। मेहता साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी पंकज जी, जिस प्रकार से ये बात सामने आ रही है, कोटा का मामला अभी बिल्कुल चल ही रहा है और उसके बाद बूंदी में भी 10 बच्चों की मौत हो गई है, और वहां पर हमारे संवाददाता ने भी कहा और बीजेपी से अशोक डोगरा जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि कई बार इस बारे में अवगत कराया गया, जो वहां पर चिकित्सा अधिकारी जिसको बिठा रखा है उनके पास में उतना अनुभव नहीं है, उनसे जब कुछ पूछने जाते हैं तो वो तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाते, और कई सीनियर इस अधिकारी से नाराज है। और सबसे बड़ी बात यहां पर मेहता साहब ये है कि अगर अधिकारी ही ना समझ होगा, उसको इतनी जानकारी नहीं होगी, तब तो फिर उस अस्पताल की क्या दशा हो सकती है, ये तो सब जानते हैं, तो इस प्रकार की जो नौबत है वो आई ही क्यों? आज ये बात सामने आई है जी, और जिला कलेक्टर महोदय खुद वहां पर पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, पूरी देखा है जी। जी माफ कीजिएगा पंकज जी, ये आज की बात नहीं है, हमारे संवाददाता ने बताया, अशोक जी ने बताया कि कई बार अवगत कराया जा चुका है इस बारे में, जिला कलेक्टर तक को अवगत कराया जा चुका है कई बार, ये आज की बात नहीं है। आज तो कोटा का मामला प्रकाश में आया है, उस वजह से बूंदी का मामला प्रकाश में आया, उस वजह से मीडिया में खबर आने के बाद में अब जाकर ये बात इतनी बड़े लेवल पर आई है, लेकिन इससे पहले पूर्व में कई बार अवगत कराया जा चुका है, ये आज की बात नहीं है। लापरवाही और उदासीनता उचित नहीं है,
और इसकी जांच करा के इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। पंकज जी, क्या सिर्फ यही जवाब सरकार के हर नुमाइंदे के पास है कि जांच करवाई जाएगी और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगी? जब मामला प्रकाश में आ गया उसके बाद क्या यही जवाब अब रह गया है कि जांच करवाई जाएगी? ये मामला आज प्रकाश में आया, कल प्रकाश में आया, दोषी तो जांच मालूम पड़ेगा ना। लेकिन पंकज जी, जब पूर्व में पहले भी कई दफा बताया जा चुका था तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई इस पर? राज्य में आपकी सरकार है पंकज जी, जब आपके पास कोई शिकायत लेके आता है, कोई किसी चीज से आपको अवगत कराता है, कोई खामी आपको बताता है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की ही बनती है ना कि उस चीज पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ध्यान दिया जाता है और व्यवस्था में सुधार किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हादसा हो, जब कोई घटना हो, उसके बाद ध्यान देने का आलम आयुषी ये है कि पंकज जी कह रहे ध्यान दिया जाता है, ध्यान देने का आलम यह है बूंदी में ध्यान देने की वजह से या ना देने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो जाती है, कोटा में 106 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और अब जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जांच होगी, लेकिन जो बच्चे मर गए उनके परिजनों का क्या, उस बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि जो लापरवाहियां वहां पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा की गई है उस पर कोई बात नहीं होती और ये कोई आज की बात नहीं है। जब मामला प्रकाश में आता है तब तो तमाम सरकारें, विपक्ष सब अपनी अपनी बात करने आ जाते हैं, लेकिन पूर्व में जब कई बार अवगत कराया जा चुका है, पंकज जी मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि पहले भी अवगत कराया था तब क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार करते हैं? और ये मैं सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं हमारी सरकार से, जिसको हमने चुना है, पिछली सरकार से कुछ गलतियां होंगी इसलिए उन्हें हटाया गया, आपको चुना। जी उमंग, यहाँ पर एक बात और ऐड में करना चाहूंगी, अवगत कराने की नौबत आखिरकार क्यों आ रही है? आपका क्षेत्र है, आपकी सरकार है, तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप दौरे करें, आप देखें कि क्या क्या खामियां हैं पब्लिक चीजों में, क्योंकि अस्पताल तो एक सभी के लिए है, आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि आप जाकर निरीक्षण करें, समय समय पर वहां पर जाए। जी पंकज जी, जी क्या जवाब है? हमारे बूंदी के नेता बराबर जाते हैं वहाँ पर, बराबर जाते हैं तभी तो ये 10 बच्चों की मौत हो गई, ये कहना चाहते हैं बराबर जाने के बाद और मामले को दबाया जाता है? पंकज जी, बराबर जाने के बाद 10 बच्चों की मौत हो गई और उनको इस मामले का पता नहीं पड़ा, आप कह रहे हैं ये मामला अब प्रकाश में आया, अगर वो बराबर जाते तो क्या वजह है कि ये मामला उनके प्रकाश में नहीं आया? क्या वो अंदर नहीं जाते? क्या वो वहां के लोगों से बात करके नहीं आते, जनता से बात नहीं करते? ये तो निश्चित रूप से जाते ही हैं बूंदी के नेता। मतलब पंकज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं बूंदी के जो आपके नेता हैं या तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, आप ये कहना चाह रहे? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर रहे? अगर कर रहे तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मामला प्रकाश में आया है? अगर वो काम ढंग से कर रहे होते तो उनको पता होता। जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए तो मामले को दबाया क्यों जा रहा है, सामने क्यों नहीं लाया जा रहा मामला? मामला दबा रहे हैं, साफ बात यहाँ पर सामने आई है कि मामले को दबाया गया है। जी पंकज जी, आपसे मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, जब हमने आपको कहा ये मामला ऐसा है, कई बार अवगत कराया जा चुका है, आपने कहा कि मामला प्रकाश में आया है, जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हमने आपसे पूछा, हमारी सहयोगी ने आपसे पूछा कि आपका भी फर्ज बनता है मामला प्रकाश में आने ही क्यों दिया जाए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता वहां पर बार बार जाया जाए, निरीक्षण किया जाए, जनता के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है? उस सुनिए, जनता ने आपको उस गद्दी पर बिठाया, वो आपको हटा भी सकती है, तो क्या जनता के प्रति आपका फर्ज नहीं है? आपने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बूंदी को जो नेता है वो वहां पर बार बार जाते हैं, आप ही के शब्द है, हमने नहीं कहा, आपने ही कहा कि वो बार बार जाते हैं, अगर वो बार बार जाते हैं तो फिर ये घटना क्यों हुई, ऐसी नौबत ही क्यों आई? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही उन्होंने भी करी है, जनता के साथ धोखा करा है। जी पंकज जी, बार बार जाने के बावजूद पंकज जी, अगर ऐसा नहीं है तो उनके प्रकाश में ये मामला क्यों नहीं आया? अगर ऐसा नहीं है तो इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या जवाब है आपका इसके पास? जी पंकज जी, जी अनंत यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, उमंग जी अनंत क्या कहना चाह रहे हैं? जी आईसी यहाँ पर दो बातें हैं, बूंदी में एक तो कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मेन कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ जिला अध्यक्ष कोई नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं होने से बूंदी बेचारी बिना सरकार होते हुए भी बेकार हो रही है, बूंदी में कोई प्रतिनिधित्व कोई नहीं। अब पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन जी हैं, वो आए दिन
किसी न किसी मंत्री के साथ या कोई आता है तो उनको वो रेस्पॉन्स देते हैं और वो पूरे सीनियर होने के कारण उन्हीं की थोड़ा बहुत बात होती है, मगर यहाँ जो व्यवस्थाएं चली आ रही है वो पूरी पूर्व सरकार की उसमें ही जो व्यवस्थाएं थी वही चली आ रही है। लेकिन आपने पंकज जी की बात तो आपने सुनी होगी, उनका कहना है कि लगातार जो उनके पार्टी के सदस्य है वो निरीक्षण करते हैं हर चीजों का। यहाँ आयुषी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ न तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का कोई मुख्य पदाधिकारी नहीं है, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही थी, इसीलिए प्रशासन यहाँ का एकदम निश्चिंत होकर और अपना काम करता है, किसी की परवाह नहीं करता है। नहीं नहीं अनंत अनंत जिम्मेदार अनंत जी जी अनंत, या तो आपने पंकज जी की बात सुनी? जी जी, पंकज जी ने कहा है कि आप बूंदी के जो भी नेता हैं वो वहाँ पर जाते हैं, बार बार जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? अस्पताल का विजिट कोई नहीं करता है। पंकज जी अगर बोल रहे हैं तो इस प्रकार हम यहाँ हम मीडिया के बतौर खड़े रहते हैं, हमें। चलिए अनंत, आपका इस पूरी बात का जवाब पंकज जी से ही जान लेते हैं। पंकज जी अब क्या कहेंगे आप पूरी बात पर? नहीं जाते हैं, मोदी शर्मा कई बार जाते हैं अस्पताल में, और तो हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, पदाधिकारी जाते हैं। एक दो के नाम बता दीजिए। जाते हैं, वो लगातार कार्यक्रम करते हैं। पंकज जी नाम बता दी, जो अस्पताल का विजिट करते हैं आपके सरकार के कार्यकर्ता वगैरह जो जाते हैं उनके एक दो के नाम बता दीजिए। पंकज जी बता रहा हूँ ना मैं, सत्येश शर्मा जाते हैं, कर्मेश शर्मा जाते हैं। तो पंकज जी बहुत बहुत सीधा सा सवाल है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो जाते हैं तो ऐसी क्या वजह रही कि उनकी भी जानकारी में नहीं आया ये मामला कि वहां पर एक ऐसा अधिकारी बिठा रखा है जिसके पास उस पद के लायक अनुभव ही नहीं है? और उमंग, ये जो पूरा आंकड़ा अगर मैं बात करूं बच्चों की मौत का, तो एक महीने के अंदर ये 10 मौतें हुई हैं। तो पंकज जी आपसे सीधा सवाल ये है कि एक महीने के अंदर क्या आपके सदस्य उन्होंने निरीक्षण नहीं किया? आप बोल रहे हैं वो लगातार जाते हैं, समय समय पर जाते हैं, तो एक महीने में कहां गए थे सब? क्या होगा जी? पंकज जी जी, जो भी आपने नाम बताए हैं जिन भी व्यक्तियों के, जो आपके सक्रिय कार्यकर्ता आपके द्वारा बताए जा रहे हैं कि वो लगातार वहां जाते हैं, तो या तो वो लापरवाह हैं जो उनके प्रकाश में ये मामला नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं आप? पंकज जी सीधा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अगर कोई व्यक्ति वहां पर निरीक्षण के लिए जा रहा है तो क्यों नहीं उसके संज्ञान में ये बात आई, क्या वजह है, इसका तो जवाब दे दीजिए। अगर अगर पंकज जी अगर अगर मैं आपके पास आऊंगा किसी काम को लेकर, तो वो बात आप सुनेंगे, या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, दो ही बातें हैं, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। अगर वो व्यक्ति वहां पर जा रहे हैं और उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो किसकी गलती है, इस बात का तो जवाब दीजिए। जनता ने चुना है आपको, जनता जवाब मांग रही है, जनता के 10 दिन के 15 दिन के बच्चे मरे हैं। चलिए उमंग, लगता है पंकज जी के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, फिलहाल देखते हैं कि कब तक आखिरकार जो बूंदी में 10 बच्चों की मौत हुई है इस पर अब आगे कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पंकज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंत और उमंग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। लगातार कोटा में जिस तरीके से मामला अभी तक थमा नहीं था, तो बूंदी में एक और मामला यहां पर सामने आया है, 10 बच्चों की वहां पर मौत का पूरा मामला है, एक महीने के अंदर 10 बच्चों की वहां पर मौत हो गई है। लगातार जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि समय समय पर वहां पर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पंकज जी यहां पर जवाब नहीं दे पाए उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।